हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत परेशानियाँ चल रही थी। बहुत टाइम भी नहीं मिला मुझे कि ये सब व्लॉग कर लूँ। आज बहुत टाइम बाद मैं निकला हूँ व्लॉग करने। आज मैंने सोचा कुछ अलग व्लॉग करते। रात में नाइट आउट में भी नहीं करा था। लॉकडाउन फर्स्ट लॉकडाउन के बाद से हम अभी बाहर निकले ही नहीं रात में घूमने। तो आज मैंने सोचा रात का नाइट आउट के लिए व्लॉग बना लेते हैं। तो मैं इंदौर में रहता हूँ, मेरा नाम हर्ष तनवानी, वो तो आप जानते ही होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नाइट आउट पे। हम दो तीन दोस्त हैं, एक तो मेरा भाई है और एक दोस्त है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ जिसके साथ मेरा लास्ट व्लॉग भी बना था। तो चलते हैं अपन। अब हमारे हमारी गाड़ी पे बैठते हैं और चलते हैं। चलाओ, अभी हम एक दोस्त को पिकअप करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे ही रहता है, ज़्यादा दूर भी नहीं रहता है वो। तो बहुत दूर है। उसके घर पहुंच गए हैं, अभी उसको कॉल करते हैं तो वो आएगा ऊपर से। थोड़ा मैं लगाता हूँ उसको कॉल, जब तक हम वेट कर रहे हैं। कॉल करो ना। वैसे ये बहुत यूनिक व्लॉग रहेगा रात का, बाकी क्या पता कैसा रहेगा। पूरे रोड पे कोई नहीं है। ये भूतिया लाइट पीछे से। Few moments अब हमें बहुत देर हो चुकी है यहाँ खड़े खड़े। शायद अभी तक भी वो तैयार नहीं हुआ, अब निकल रहा है। 10-15 मिनट से नीचे ही खड़े हैं, देख रहे हैं। अब आ जाए। शायद हम नीचे ही उतर रहे हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो अब जाके यहाँ है। अब हम जा रहे हैं। गाइस, अभी हम सपना संगीता पे एक दोस्त के कैफ़े पे रुके थे पानी वानी पीने। तो यहाँ पे पानी वानी पिया और अभी आपको मैं इंदौर की खासियत बताता हूँ। इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे रात में घूमने में अलग ही मज़ा है। जहाँ पे आप अगर कभी आओ तो घूम के जाना। वैसे लॉकडाउन के बाद अभी यहाँ पे सब 11-12 बजे बंद हो जाता है, तो सराफा 56 रात को 1-1, 2-2 बजे तक खुला रहता है। और भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे सुबह 4 बजे उठ के लोग मैगी खाने जाते हैं, पास्ता, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, बहुत सारी चीज़ें बनती है और लोग खाने जाते हैं। और खाने के नाम पे पूरे एमपी में इंदौर सबसे बेस्ट है।
और टेस्ट भी लोग बाहर से आते हैं खाने के लिए। तो अभी हम भी नाइट आउट पे निकले हैं, अभी यहाँ से जाते हैं, देखते हैं कहाँ चलते हैं, आगे से आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अभी हम पानी वानी पी के यहाँ से निकल गए हैं, धीरे धीरे चलते हैं यहाँ से पलासिया, पलासिया के बाद चलते हैं सराफा, सराफा से चलते हैं पलासिया के बाद सराफा के पलासिया से चलते हैं हम सीधा विजयनगर। विजयनगर में जाके देखते हैं क्या कैसा सीन है, कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है। इसका रास्ता पूरा खाली है, दिख ही नहीं रहा रास्ते में, दो चार गाड़ियाँ हैं रास्ते में और कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं। का 56 दुकान, यहाँ खाने की इतनी वैरायटी है जो कहीं नहीं मिलेगी, कभी आओ तो ट्राई करो। भाई जब हमने यहाँ पे फोटो वीडियो भी दो चार निकाल ली है, ज़्यादा तो आ नहीं रहे, अंधेरा है बहुत रात में। बाकी अभी हम C21 और मल्लार मोड़ पास पास नहीं है, उसके बाहर खड़े हुए हैं। लोकेशन थोड़ी अच्छी है, लाइट वाइट भी आ रही थी, बाकी क्लियरिटी तो फटी रही है। सुबह ही करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम यहाँ से, कुछ खाने का देखते हैं, बहुत भूख लग रही है, अब स्टोरी वोरी डालने में लग गई। चलो बंद कर रखे थे, अंदर जाने भी नहीं थे, हमने बाहर से दर्शन कर लिए। अब हम यहाँ से चलते कुछ खाने के लिए, देखते हैं लग रही है। चलो खाने को तो कुछ मिला नहीं, चाय मिली है, सरवटे बस स्टैंड आए थे, अब यहाँ बैठे चाय पियेंगे। तो गाइस मैं सीधा घर ही आ गया था क्योंकि कुछ खाने को मिला नहीं, घर से भी फ़ोन आ गया था, तो चाय पी के सीधा घर ही आ गए थे दोस्त को छोड़ के। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, नींद भी आ रही है, सुबह की 4:30-4:45 हो गई है, अब मैं जाके सोऊंगा। तो मेरे ब्लॉग को यही एंड कर रहा हूँ, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, पीस एंड लव।